तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एक और नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आपको बताना था, आज अचानक ही प्लान बना पिकनिक का, तो हम चल दिए चार जने अपना झोला झमका पैक करके। आज भीड़ भी बहुत है क्योंकि सैटरडे आज हफ्ते का लास्ट दिन और कल संडे। जाम थोड़ा कम हो गया, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अब जाम मिलता नहीं मिलता। और हम पहुंच चुके हैं ये देहरादून के गड़ी चौक में। यहाँ हर समय भीड़ ही रहती है। अगर आप भी बनाने आते हो पिकनिक तो संतरा देवी से आगे लास्ट में हल्दी वाला पड़ता है, वहाँ बहुत अच्छी जगह है, पानी भी साफ है एकदम, और आप इंजॉय भी कर सकते हो। छोटे गांव भाई देखिए, लास्ट में आप संतरा देवी को क्रॉस कर चुके हैं हम, और छोटे गांव भाई देखिए एकदम शांत में, और आगे बस हम पहुंचने वाले हैं मंजिल में। मेरे पीछे नहर है, नदी देखिए, इस जगह बैठेंगे हम। तो जब भी हम आते हैं तो यही जगह में हम बैठते हैं क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। एक बार मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ, फिलहाल मैं सामान रख लेता हूँ ऊपर। सामान मैंने कैरी कर लिया है, चलते ऊपर की तरफ। दो फिलहाल सब जगह सामान रख देता हूँ मैं इकट्ठा ना, मैं दो और कार्तिक लेकर आओ, ये दे दो मुझे, ये दो पान दो, क्योंकि लास्ट में मैं पानी भूल गया था, पानी बहुत ज़रूरी है। ये हो गया पानी की बोतल, और ये देखिए लकड़ी। जब भी आते हो आप पिकनिक में तो आपको नीचे संतरा देवी मंदिर के नीचे आपको ये लकड़ियाँ मिल जाएगी, इससे आपका करीबन चावल और जो भी है सब्जी वब्जी आराम से बन जाएगी, तीन चार आटर आराम से मिल जाएंगे। तो ये मिलती है 50 रुपये की पूरी गट्ठा, देखिए सूखी लकड़ी एकदम। इसको ठीक है, ये देखिए खाना का सामान, देखिए खुश हो गई, चिप्स चिप्स। मैं बोतल भी लेके आया था वैसे तो इमरजेंसी के लिए, दोनों पानी की बोतलें। ये देखिए यहाँ के व्यू दिखाया था आपको पहले, तो दोस्तों अब शुरू हो गया हम जंग करने, शुरू होगी जंग किस चीज़ की मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं देखिए मैं प्याज काट चुका हूँ, ठीक है, उधर लहसुन छिल रहे हैं ये, और ये टमाटर और ये पूरा रेडी है, बस इनको भी काटना है। तो मैं जा रहा हूँ आग जलाने, तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, ये देखिए यही तो है हांडी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये हांडी है, इसी में बनेगा मटन, और ये डाल दिया है मिक्सर में, ये देखिए खाना है ये देखिए डांस। देखिए कुछ इस तरह साइड से लगा दिया हमने, देखिए हांडी पूरी पैक हो चुकी है, ठीक है। अब इसको रखेंगे हम इस चूल्हे के ऊपर, ठीक है, ये देखिए अब इसको रख दिया हमने चूल्हे के ऊपर, बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है क्योंकि गिर ना जाए टूट ना जाए बस। और नीचे से हम धीमी धीमी आंच में इसको पकाएंगे करीबन 1-1.5 घंटा, बनाने की कोशिश करी हमने, और इसको बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे, जैसे 15-15, 20-20 मिनट बाद में इसको हम हिलाते रहेंगे बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों यही है ज़िंदगी,
खाना पीना, थोड़ा घूमना फिरना और अपना काम धाम भी देखना है। अगर काम धाम नहीं होगा तो घूमेंगे फिरेंगे कैसे। बड़ा मेहनती बच्चा ये, तो पालने के आ रहा है, दादा बोल रही है। यहाँ आओ, यहाँ प्रीशु, ये देखिए इसे धोएंगे हम। वाह, ये तो ये तो यहाँ तक खुशबू आ रही मटन की, ठीक है। जो उसमें मसाले मिले हैं ना, उनकी बहुत खुशबू आ रही है, मुझे रहा नहीं जा रहा है मुझे, बस क्या कर, ठीक है। और इस तरफ हमने चावल चढ़ा दिए हैं, देखिए दोनों एक साथ बन रहा है, दोनों एक साथ बन रहा है। चावल का कंडीशन क्या है, बस पकने वाले हैं चावल। मटन रेडी हो गया, अब इसको खोलेंगे, उसका देखते हैं पका कि नहीं पका। अगर पकता है तो रेडी करते हैं, है ना, खाने के लिए। और नहीं पका तो फिर इसको हल्की आंच में हम रख देंगे। क्या बोला मार रहा है अंदर से, वाओ। अब करते हैं ट्राई इसे, देखते तो पहले ट्राई कर लेता हूँ एक बार। और क्या स्वाद आ रहा है, शायद पक चुका है। थोड़ी ग्रेवी कम रखी थी, पर ग्रेवी में थोड़ा हम डालेंगे पानी, उसको फिर चढ़ाएंगे हम। बहुत बढ़िया, खाना तो हो गया है, थोड़ा लेट हुआ पर हो गया है, बढ़िया। अब नींद भी आ रही है, तो उससे पहले ये बोल रहे नहाने चलते हैं। मेरे पीछे है नदी, नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। तो आपको ये देखिए नदी है, हम वहाँ नहाएंगे, देखिए कितना बड़ा पानी है। छुट्टी, वाओ। ये देखो सो रही है, ये ताली क्लैप जा रही है भाई। बोली देखो तो गाइस, ये देखिए ये नहा गया है, ये छुटकी भी नहाई नहीं, नहाने के लिए बहुत वो कर रही थी, ये तो हाय करती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा ये जरूर बताना, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय।